नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यूरोप में मचती हलचल के बीच ग्रीस ने भारत से साथ आने और मदद की गुहार लगाई है। दो दिन पहले ग्रीस ने तुर्की के रूप में उभर रहे एक बड़े चैलेंज से निपटने के लिए भारत को आगाह किया था, परंतु ग्रीस ने यह कहकर भारत की चिंता बढ़ाती है कि तुर्की ने ग्रीस के प्रति जहां आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, वहीं भारत भी उसके निशाने पर आ चुका है। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी को ग्रीस की न सिर्फ मदद करनी चाहिए बल्कि तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन को सबक सिखाने के लिए मिलकर कदम भी उठाना होगा। ग्रीस ने अमेरिका और भारत दोनों को आगाह कर दिया है। उसने यह कहकर दुनिया में सनसनी मचा दी है कि तुर्की परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है और इस मिशन में पाकिस्तान उसको परमाणु तकनीक का निर्यात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत के लिए खतरा सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है बल्कि यूरोप में जाहिल कौम का तानाशाह मुल्ला एर्दोगन भी भारत के लिए बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की की यह सांठगांठ केवल भारत के लिए खतरा नहीं है बल्कि ग्रीस के लिए भी एक चेतावनी है। यूरोप से निकली चिंता की यह जबान बेवजह नहीं है। ग्रीस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन नोमिकोस ने कहा है कि तुर्की, पाकिस्तानी और चीनी खुफिया एजेंसियां जम्मू कश्मीर में एक साथ मिलकर काम कर रही है। अगर मोदी सरकार को तुर्की समेत इन देशों के मंसूबे निष्फल करने हैं तो भारत को भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान तुर्की को परमाणु हथियार सामग्री दे रहा है, भारत और ग्रीस के बीच एक अलायंस बनना जरूरी है। दोनों देशों को मिलकर हथियार बनाने चाहिए, साथ ही कूटनीतिक तौर पर तुर्की पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से तुर्की और ग्रीस के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण चल रहे हैं। तुर्की और ग्रीस भूमध्य सागर में एक दूसरे से टकराव के मुहाने पर खड़े हैं। इसकी शुरुआत ऊर्जा संसाधनों की एक साधारण सी दिखने वाली ओर से शुरू हुई थी। तुर्की ने अपनी नौसेना के माध्यम से भूमध्य सागर में एक गैस खोजी अभियान चलाया था, मगर जिस इलाके में तुर्की नौसेना यह अभियान चला रही है उसे ग्रीस अपना क्षेत्र बताता है। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में तुर्की का जहाज और उतरे ही से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। इस जहाज को अपने इलाके से खदेड़ने के लिए ग्रीस ने सेना को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। यानी तुर्की भी भूमध्य सागर में चीन की साउथ चाइना सी वाली नीति आजमाने लगा है। खास बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस पहले ही एथेंस को अपना फुल सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे तुर्की न सिर्फ भड़का है बल्कि यूएई के तुर्की के खिलाफ जाने से पाकिस्तान की मुल्ला नीति के अलगोजे भी बच गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त तुर्की भारत के युवा मुसलमानों को जिहादी बनाने और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति के तौर पर काम कर रहा है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए तुर्की भारत मुसलमानों को स्कॉलरशिप का लालच दे रहा है। यह एक तरह से अजरबैजान आर्मेनिया जंग में सीरिया से बुलाए गए भाड़े के आतंकियों वाली पुनरावृत्ति है। केरल, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल से युवा मुसलमान बड़ी तादाद में तुर्की जा रहे हैं। यह युवा वहां से जिहाद का प्रशिक्षण पाकर देश में वापस आने लगे हैं। खास बात यह है कि इन्हें भारत के खिलाफ प्रशिक्षण देने में पाक की खुफिया एजेंसी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। यानी देश में गद्दारों और आतंकियों की एक बड़ी सेना तैयार हो रही है। राष्ट्रपति रेसप तैयब एर्दोगन के इस मिशन के पीछे खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का ख्वाब है। यही वजह है कि वह पाकिस्तान से परमाणु तकनीक ट्रांसफर करवाकर हर मुद्दे पर उसके सुर से सुर मिला रहा है, क्योंकि एक बार अगर तुर्की परमाणु संपन्न मुल्क बन गया तो वह खाड़ी के 8 देशों पर अपना शिकंजा कस देगा, साथ यूरोपियन देशों और अमेरिका को भी ब्लैकमेल कर सकेगा। पाकिस्तान और तुर्की के बीच परमाणु बम और मिसाइल बनाने को लेकर पिछले दिनों गुप्त समझौता हुआ है। दोनों देशों के अधिकारियों ने 22 और 23 दिसंबर को मुलाकात की थी। इस मुलाकात और समझौते के बाद पाकिस्तान को भी तुर्की से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तुर्की राष्ट्रपति ने इसी शनिवार को ऐलान किया है कि मिलगम प्रोजेक्ट के तहत एड़ा क्लास के 4 युद्धपोत पाकिस्तान के लिए बनाएगा। तुर्की अभी 2 युद्धपोत के निर्माण में जुटा है, जबकि 23 जनवरी को 3रे युद्धपोत का एर्दोगन ने उद्घाटन किया है। साल 2018 में तुर्की की सरकारी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर फर्म का पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ यह समझौता हुआ था। इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर संदेश लिए भी बढ़ रहा है, क्योंकि जिस पाकिस्तान को टॉयलेट खरीदने के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है, वह करोड़ों डॉलर के 4 जहाज खरीदने के लिए रकम कहां से लाया है। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान फिर से उत्तर कोरिया वाला फंडा तुर्की में भी चल रहा है, जहां वह अपनी परमाणु तकनीक तुर्की को बेचकर उससे हथियार और पैसा हासिल करना चाहता है। इस काम में पाकिस्तानी सरकार, सेना और ISI भी गठजोड़ के रूप में काम कर रही है। हालांकि तुर्की के ये युद्धपोत भारत के लिए विशेष खतरा नहीं है। पाकिस्तान को मिलने वाले युद्धपोत मध्यम श्रेणी के माने जाते हैं। इनको रडार पर पकड़ना भारत के लिए काफी आसान है। भारत नौसेना के पास पहले ऐसे डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां हैं जो तुर्की के स्कारबेट को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। साल 2019 में एर्दोगन ने अपनी परमाणु बम बनाने की योजना का बचाव करते हुए कहा था कि अमेरिका हमें परमाणु बम बनाने से रोकना चाहता है, मगर दुनिया का कोई भी विकसित देश ऐसा नहीं है जिसने एटम बम नहीं बनाया है। वैसे एर्दोगन का यह मुल्ला नीति वाला दावा पूरी तरह से झूठा था।
क्योंकि दुनिया में जापान, जर्मनी जैसे कई ऐसे विकसित देश हैं जिनके पास आज भी परमाणु बम नहीं है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका से पहले जर्मनी ने परमाणु बम की खोज शुरू की थी, मगर उसने आज तक भी परमाणु बम नहीं बनाया है। एर्दोगन ने अपनी परमाणु महत्व का आकांक्षा पूरा करने के लिए भिखारी बन चुके इमरान खान और वहां की सेना को साधा है। पाकिस्तान की परमाणु सामग्री की तस्करी का पुराना इतिहास रहा है। यह जाहिल और आतंकी मुल्क परमाणु ब्लैक मार्केट का बादशाह है। पाकिस्तान के बदनाम और चोर परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान कई देशों को परमाणु तकनीक बेच चुके हैं। ऐसे में अगर ग्रीस की फिक्र बढ़ रही है तो वह बेवजह भी नहीं है। बेशक उसे यूएई जैसे अमीर मुस्लिम देशों का खुला समर्थन मिल रहा है, मगर बिना भारत के साथ के उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। जिस तरह दक्षिण एशिया में तुर्की और पाकिस्तान मिलकर अपनी मौजूदगी बढ़ाने में लगे हैं, यूरोप में ग्रीस और भारत भी इसका बैलेंस जवाब हो सकते हैं। भारत की सैन्य ताकत के सामने तुर्की पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरते हैं। ऐसे में ग्रीस को भारत का साथ मिल जाए तो वह तुर्की की सारी एकड़ी निकाल सकता है। आपको बता दें कि ग्रीस और भारत के रिश्ते अब धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। अक्टूबर 2020 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस देदियास की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग से तुर्की और पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया गया था। इस मीटिंग के मायने इसलिए भी खास थे क्योंकि भारत ग्रीस में तकनीकी क्षेत्र में सहयोग की सहमति बनी थी, जिसके बाद रक्षा और सैन्य संबंधों की संभावनाओं को मजबूती मिली है। सितंबर 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे में ग्रीस व आर्मेनिया के प्रमुखों से अलग मुलाकात करके तुर्की की बेचैनी बढ़ा दी थी। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के सबसे बड़े शत्रुओं में चीन, पाकिस्तान और तुर्की देश शामिल हैं। इन देशों में भारत के प्रति वैमनस्य कभी खत्म नहीं हो सकता है। जिस तरह ये तीनों जाहिल देश एक दूसरे के साथ गठजोड़ को मजबूती दे रहे हैं, भारत को भी इन्हीं के पड़ोस में घेरने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की सीमा से लगता अफगानिस्तान हो, चीन से लगते वियतनाम, जापान, बुरनई और ताइवान जैसे देश हो, तुर्की के दुश्मन ग्रीस और आर्मेनिया हो, इन सभी के साथ भारत को अपने सैन्य और रक्षा संबंधों को अधिक ऊंचाई पर ले जाने की जरूरत है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की भारत के खिलाफ इसी नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुखद यही है कि विशेष समुदाय का एक धोखेबाज समूह इनकी साजिशों में आगे बढ़कर साथ दे रहा है। यानी भारत के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। उसे बाहरी षड्यंत्र के अलावा देश के गद्दारों से भी जूझना है। ऐसे में अगर ग्रीस भारत से मदद की गुहार लगा रहा है तो भारत को उसे हरगिज मायूस नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।